होते हैं, जितने जीवाणु विषाणु होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, आधार कार्ड की भाई साहब, आधार कार्ड की फोटो कॉपी कर दो। तो लेके जाते हो, इसे खोलता, फटका, रखता आधार कार्ड और दबाता है बटन, एक मिनट में से पेज निकलता है। मशीन है वो आरएनए का काम करके डायरेक्ट वो टू कॉपी कर दे रही है। जीवाणु विषाणु होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, आरएनए। क्या पाया जाता है, आरएनए, ध्यान से देखना, आरएनए। इसमें क्या होता है, म्यूटेंट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगते, अपने कैटेगरी को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जितने भी डीएनए वाले होते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ये आरएनए वाली बात थी और डीएनए वाली बात है। तो जितने भी डीएनए वाली चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, जानवर जितने भी कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा में आते हैं, वैसे जितने भी डीएनए होते हैं इनमें धीरे धीरे स्लोली करके जो है परिवर्तन होता है। जैसे कि हम लोग पहले क्या थे, बंदर थे, बंदर से क्या हुआ, चिंपांजी से धीरे धीरे करके ऐसे होते होते आज इंसान के रूप में परिवर्तित हैं, चार पैरों पे खड़े हैं। और ओके गाइस, तो हमारे पूर्वज कौन थे, बंदर थे, तो वह इतना टाइम लगा कि जो है इतने समय लगे तब हम लोग सुधार हुए। लेकिन वहीं पर अगर ये वायरस होते हैं, क्या होते हैं, वायरस होते हैं जितने भी, जैसे कि कोरोना हो गया, ये सब चीज़ें क्या करते थे, फटाफट म्यूटेंट करते थे, अपने आकार को चेंज करते रहते थे, अपने आकार को चेंज करने के साथ साथ गुण को भी चेंज करते रहते थे। क्यों चेंज करते थे, क्योंकि उनके अंदर आरएनए पाया जाता है, आरएनए में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। डीएनए जो होता है एक फुल फॉर्म, मतलब कि ये पूरा फुल होता है, अगर पूरे फुल को फाड़ के आधा निकाल देते हैं तो बनता है आरएनए, यानी कि ये डीएनए पूरा दुगुणित होता था, उसी को आधे से काट से चीर के निकाल दो तो क्या बन जाता था, आरएनए बन जाता था। तो वैसे ही इसमें क्या होता है, आरएनए जो है ज़्यादा इसमें जो है अपने आप को म्यूटेंट करने में, अपने आप को जनन करने में, अपने जैसे संतान उत्पन्न करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट म्यूटेंट कर दे। जैसे कि आप लोग एग्जांपल फॉर्म मैं आपको देता हूँ, प्रिंटर तो आप जैसे कि फोटोकॉपी आधार कार्ड की, भाई साहब आधार कार्ड की फोटोकॉपी कर दो, तो लेके जाते हो, इसे खोलता, फटका, रखता आधार कार्ड और दबाता है बटन, एक मिनट में से पेज निकलता है खर 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 करके, आधार कार्ड का प्रिंट हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन जो आधार कार्ड आप ओरिजिनल बनवाए हो, उसको पहले कैसे बनवाए थे, आप जो है आधा फॉर्म भरे थे, फिंगर दिए थे, पूरा सब कुछ दिए थे, उसके बाद फिर वो एक महीने बाद में बन के आपके डॉक द्वारा घर पे आया था, तो उसको बनने में बड़ा टाइम लगा था। लेकिन आपको टू कॉपी करवाने में क्यों नहीं, क्योंकि वो जो मशीन है वो आरएनए का काम करके डायरेक्ट वो टू कॉपी कर दे रही है, उसे छाप दे रही है। वैसे जो वायरस होते हैं उनमें आरएनए होता है, वो जल्दी जल्दी म्यूटेंट कर लेते थे।